राज्य चुनाव आयोग द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद मुंगेर नगर निगम के उप महापौर सुनील राय ने पुनः अपने पद पर योगदान दिया। सुनील राय ने महापौर पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण मेयर के इशारे पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। शर्माग लाइव के लिए मुंगेर से अमृतेश सिन्हा के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार का मुद्दा था यहाँ पे और भ्रष्टाचार स्वास्थ्य निश्चय का जो योजना लाया गया था उसमें पूरे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और जो ये अविश्वास प्रस्ताव उसी के कारण अविश्वास प्रस्ताव मेरे पास आया 7 सितंबर को। उसमें वोटिंग के जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में आपका जहाँ क्रॉस लगाना था वहाँ सही का निशान लाया, उसके बाद चुनाव आयोग को हमने लिखित दिया और कमिश्नर को दिया, सभी जगह देने के बाद चुनाव आयोग से जांच करवाने के बाद ये उसको रद्द कर दिया गया। और जो मुद्दा यहाँ पे है, हम भ्रष्टाचार से ना कभी समझौता नहीं करेंगे। यहाँ भ्रष्टाचार का पूरा ना मेयर के द्वारा चलाया जाए। मेयर ने आपके ऊपर क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया था, किस लिए, क्या कारण क्या है? कारण यही था कि हम भ्रष्टाचार का उजागर किए थे। क्या उजागर किए? उजागर सात निश्चय के जो सरकार का जो नियम था नीतीश कुमार का, उसमें कच्ची सड़क बनाना था, उसमें सारा 80% पक्की सड़क को ले लिया गया था, उसका टेंडर भी निकाल दिया गया था। उसमें जो सरकार को जो पैसा, आम पब्लिक का पैसा जो खर्चा हुआ, उसका देनदार कौन होगा? और ना ये मेरा सशस्त्र स्थायी कमेटी के सदस्य है ना मुमताज नग, वार्ड नंबर 33 का, उसको जो भी ना उसके मेयर के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है उसमें या तो उसको सदस्यता रद्द करवा दिया जाता है या तो कर्मचारी को ऐसी परेशान करता है, सभी वार्ड पार्षद को हमेशा परेशान करते रहता है। ये मानते हैं कि मेयर का दबदबा है, आप मेयर है तो आपका दबदबा नहीं है? दबदबा की बात नहीं है, मेन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार से ना पूरा हम तो कोई समझौता करने वाला नहीं, और ये हमेशा चाह रहा है कि लूट खसूट करने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे नगर निगम में, मेयर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब उससे समझौता नहीं करेंगे? नहीं, समझौता नहीं करेंगे किसी की। देखिए, जैसा कि पार्षदों के द्वारा डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास आया था मेरे पास, और उसकी जो प्रक्रिया हुई नगर आयुक्त ने सारी कार्रवाई को अंजाम दिया, जो मुझे लगता है पूरी तरह से वो वैध है। और जहां तक बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मंतव्य उनका आया है कि यह प्रक्रिया गलत है, तो मैं यह इसको सही नहीं मानती हूं, क्योंकि तरीका जो है पूरी तरह से वो सही है। और का कहना है कि यह इस पे क्रॉस का निशान लगा रहना चाहिए, जबकि पूर्ण रूप से इसमें गोपनीयता को ध्यान में जो मतदान होता है वो पूरा गोपनीय रूप से होना चाहिए और उस प्रक्रिया का पूरी तरीका से उसका ध्यान रखा गया है।